हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर एक अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग की वीडियो शेयर की थी और उसकी आज मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ कि हार्ड प्रूनिंग के बाद मेरे प्लांट्स की क्या कंडीशन है और उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे है पहले ये मेरा ये बोगनविला का प्लांट, इसकी भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने इस पर कटिंग प्रूनिंग की थी और इसमें फर्टिलाइजर डाला था। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी जबरदस्त इसमें ग्रोथ हुई है और फ्लावरिंग अभी इसमें स्टार्ट नहीं हुई है। जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। फिर है ये मेरा यहाँ पर टिकोमा का प्लांट, इसकी देखिए मैंने बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग की थी, एक भी लीव इसके ऊपर मैंने छोड़ी नहीं थी और अब देखिए पूरा ही प्लांट मेरा पत्तियों से भर गया है और बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इसे होली पर यूज किया जाता है तो मैंने बना के और सुखा कर रख लिए हैं। और ये देखिए, ये भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किया था, यह हिबिस्कस का प्लांट है, इसकी कटिंग प्रूनिंग मैंने की थी और इसकी ग्रोथ आप देखिए क्या जबरदस्त ग्रोथ इसमें आई है। चलिए चलते हैं आगे। यह है कनेर का प्लांट, इसकी भी मैंने बिल्कुल ही हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, एक भी लीव इसके ऊपर नहीं छोड़ी थी और अब ये देखिए। और ये देखिए एक बार जो मेरे फूलों पे आई है बहार, कितनी ब्यूटीफुल सी फ्लावरिंग इसमें चल रही है। ये वाला प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया था, ये देखिए। और इसमें भी देखिए आप, पूरा ही लीव से भर चुका है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं फ्रेंड्स इसको भी, मुश्किल से 15 दिन हुए हैं जब मैंने इनकी कटिंग की थी। चलिए चलते हैं आगे। ये है कड़ी पत्ता का प्लांट और इस पे आप देखिए, जहां से मैंने कटिंग की थी वहां से दो दो ब्रांचेस निकली हैं, यहाँ पर दो निकली हैं ये और यहाँ पर तो इसमें ये तीन ब्रांचेस निकली हैं, ये देखिए ये देखिए। और इसमें साथ साथ सीड्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए यहाँ। इसकी वीडियो तो फ्रेंड्स मैंने 2 दिन पहले ही शेयर की थी आपके साथ जिसमें मैंने इसको दिखाया था, आप उस वीडियो और इस वीडियो को कंपेयर करके देखिए इसकी ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही है, बिल्कुल रॉकेट की तेजी से बढ़ रहा है मेरा प्लांट और 10 से 15 दिन के अंदर ही इसकी जो लीव्स है पूरी भर जाएंगी, पूरा प्लांट भर जाएगा। और ये देखिए, ये भी मैंने उसमें शेयर किया था अपनी वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दोनों पे दूंगी ताकि आप देख सकें कि मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी जबरदस्त हो रही है। ये है मेरा मधुमालती का प्लांट, वाइन है, बहुत ही जबरदस्त, ये देखिए। ये है मेरा नीम का प्लांट और इस पर भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ये देखिए बहुत सारी इसमें से, ये देखिए यहां से 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पर देखिए आप 1 2 3, एक स्टेम की जगह 3 3 4 4 स्टेम निकल रही है, बहुत ही बुशी होने वाला है मेरा प्लांट। ये है मेरा नाग चंपा का प्लांट और इसमें भी फ्रेंड्स ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ये देखिए आप यहाँ पर और यहाँ पर, जहां से मैंने एक कट किया था तो वहां पर मेरी 2 स्टेम्स निकल गई है, ये देखिए इसका रिजल्ट मुझे काफी जल्दी देखने को मिला है। और ये है मेरा जेट्रोपा का प्लांट और इसमें भी देखिए आप, ये देखिए जहां से मैंने 1 स्टेम कट की थी वहां से 2 2 स्टेम्स निकल गई हैं, प्लांट काफी बुशी होने वाला है मेरा, बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स। और ये देखिए लालसा के प्लांट मैंने बिल्कुल ही ट्रिम कर दिए थे और ग्रोथ काफी अच्छी स्टार्ट हो गई है इनपे, 3 प्लांट है मेरे पास, ये भी मैंने दिखाया था अपनी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे 1 मैंने इसको कट किया था, यहाँ से 2 ब्रांचेस निकली हैं, यहाँ से निकली हैं और यहाँ से कट किया था मैंने इसे, ये देखिए यहाँ से 1 2 और ये 3 निकली हैं। और ये है मेरा रतन जोत का प्लांट, इसमें देखिए आप ये बडिंग देखिए, इसमें ये है, यहाँ है, फिर यहाँ पीछे है, ये एक ये है, एक ये है, तो बहुत ही अच्छी भी इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है, और ये देखिए
अब दोनों प्लांट में आप डिफरेंस देख सकेंगे। ये देखिए बिल्कुल नीचे से इसमें कोई भी लीव नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मैंने इस पे जो है कटिंग प्रूनिंग नहीं की है। फ्लावरिंग तो इसमें काफी अच्छी हो रही है, ये देखिए कलियां काफी अच्छी बनी हुई है। मैंने बाकी सारे इस पे काम किए हैं, मैंने इसकी वीड्स को हटाया है, इसमें फर्टिलाइजर डाला है, लेकिन सिर्फ मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं की है। यहां से मैंने इसकी दो स्टेम्स ली थी ग्रो करने के लिए, तो वहां पे देखिए आप 1 2 3 4 5 6 और यहां से 7 ब्रांचेस नहीं निकलेंगी इसमें, यहां पे निकल रही है 2। तो अगर आपको अपने प्लांट को बुशी बनाना है तो कटिंग ट्रिमिंग तो फ्रेंड्स आपको करनी ही होगी, चाहे आपका प्लांट फ्लावर से भरा हुआ है चाहे नहीं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। और फ्लावरिंग काफी अच्छी हो रही थी तो मैंने सोचा कि सारे ही ट्रिम ना करूं प्लांट्स को, इसी में जाके फिर मानसून सीजन में ट्रिम करूंगी, फिलहाल इसको रहने दूंगी। तो एक है मेरा ऐसा प्लांट और एक है मेरा ऐसा प्लांट, ये देखिए। तो कौन सा प्लांट आपको अच्छा लग रहा है ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आप कैसा प्लांट चाहते हैं। अगर प्लांट ऐसा चाहते हैं बुशी, तो आपको अपने प्लांट की कटिंग ट्रिमिंग करनी होगी। अगर आपको लेगी सा प्लांट चाहिए तो आप ना करें, इट्स ऑल अप टू यू। ये देखिए दूसरा कड़ी पत्ता का प्लांट है, ये भी पूरा ही लीव से भर गया है, ब्रांचेस काफी सारी आई हैं इसमें भी। तो ये देख लीजिए मेरे देसी कलांचू के फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की मेरे प्लांट्स की अपडेट वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। और कटिंग प्रूनिंग फ्रेंड्स अभी कर लें, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा अपने प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग करने का। तो जो गार्डनिंग के जरूरी काम है जो हमें फरवरी में कर लेने हैं, उन्हें आप अभी भी कर सकते हैं, अभी भी काफी टाइम है। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर मेरी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।